स्टार्ट ए न्यू टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन का मतलब है पूर्ण मूल्यांकन करना, किसका, संपत्तियों का और दायित्वों का। अब इस टॉपिक को समझने से पहले मैं क्लियर कर दूं, ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 2:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 2:1। जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस टाइम बिजनेस स्टार्ट किया हुआ उस टाइम उन्होंने बिजनेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक सब कुछ परचेज किया हुआ, तो देट आर द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो उन्होंने बिजनेस के लिए एसेट परचेज की। अब एसेट को परचेज करने के लिए पैसा कहाँ से है? दो सोर्स हैं पैसे आने के, एक वो खुद पैसे लगा रहे हैं पार्टनर्स, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल, या फिर वो उधार ले रहे हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे वो उधार में कुछ सामान परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ का लाइबिलिटी। अब यहाँ पर हमने बात करनी है एसेट और लाइबिलिटीज़ की। अब ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 2:1। सी ने एडमिशन लिया 1/4 शेयर के लिए, किस तारीख को एडमिशन लिया? 1 अप्रैल 2020 को। जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम एसेट और लाइबिलिटी की कुछ और वैल्यू होगी। अब जब सी ने एडमिशन लिया उस टाइम कुछ वैल्यू और होगी, क्योंकि हर साल वैल्यू बढ़ती करती रहती है। हमें पता कि लैंड की वैल्यू आज से 5 साल पहले कुछ और थी, अगर हम आज लैंड की वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है ना। तो एसेट की वैल्यू बढ़ती करती रहती है, तो जो एसेट की वैल्यू पहले थी और सी के एडमिशन के टाइम पर है, तो उस वैल्यू में जो भी चेंज हुआ है उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। कैसे? आपको पता कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है, और वहीं एसेट की वैल्यू अगर घट जाए तो क्या होगा? लॉस होगा। सेम इन द केस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा, घटेगी तो प्रॉफिट होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। ए और बी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू कुछ और होगी, अब जब सी एडमिशन ले रहे हैं तो उस तारीख को एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू कुछ और है। तो अब इस दौरान जो एसेट की और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी और घटी है, उससे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेगा? ए और बी को, क्योंकि सी के एडमिशन के टाइम की बात हो रही है। सी के एडमिशन के बाद की बात होती तो उस केस में सी को भी प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा मिलता, पर सी के एडमिशन के टाइम की बात है तो उस टाइम तक एसेट लाइबिलिटी किसका हक था? ए और बी का हक था। तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा किसको होगा? ए और बी को होगा। तो एसेट और लाइबिलिटी में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पूर्ण मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इट मींस कि जब भी हमें लॉस होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब भी हमें इनकम होगी या गेन होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका यह नाम क्यों पड़ा वो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। अब मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट और लाइबिलिटी की बात करेंगे, तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। ये पॉइंट आपका इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूज़ होगा। सेम लाइबिलिटी के पॉइंट में, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? मैंने अभी पॉइंट बताया कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट। अब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट रूल है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। याद रखना कि जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड पॉइंट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा? लॉस होगा, तो लॉस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू एसेट। थर्ड पॉइंट है अनरिकॉर्ड एसेट। अनरिकॉर्ड एसेट कौन सी होती है? जो एसेट आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी पर अब दिखाओगे, अगर दिखाओगे तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अनरिकॉर्ड एसेट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? जब आप एसेट को नहीं दिखा रखा था, अब दिखा रहे, तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। जब बढ़ती तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब इन द केस ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो लाइबिलिटी की वैल्यू जो बढ़ती है तो हम उसको करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और लाइबिलिटी अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लास्ट पॉइंट, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि जो लाइबिलिटी हमने नहीं दिखा रखी थी, अब हम दिखाएंगे। अगर हम दिखा रहे तो लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। अब इसको आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। पहली एंट्री करी आपने एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी कहेगा आई एसेट। कब? जब वैल्यू इंक्रीज होगी।
एसेट के लिए जब डिक्रीज हुई तो हमने एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे गया है टू एसेट जब वैल्यू डिक्रीज होगी। थर्ड अनरिकॉर्ड एसेट, अनरिकॉर्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे गया है बाय अनरिकॉर्ड एसेट। सेम केस लाइबिलिटी में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे गया है टू लाइबिलिटी जब लाइबिलिटी वैल्यू होगी इंक्रीज होगी। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे गया है बाय लाइबिलिटी जब वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। लास्ट पॉइंट अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं दिखा रखी बैलेंस शीट में, अब दिखानी है, दिखाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या हुआ टू अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। अब इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों पड़ा, पहली बात ये समझने की है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, अगर अनरिकॉर्ड एसेट हमने नहीं दिखा रखी अब दिखाएंगे तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमें क्या होगा लॉस होगा, लाइबिलिटी वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें क्या होगा लॉस होगा, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी अभी तक नहीं दिखा रखी अब दिखाएंगे तो क्या होगा लॉस होगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा होती थी और डेबिट साइड कम होती थी, तो हम यहाँ लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में ओल्ड रेशो में, तो सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, किस रेशो में ओल्ड रेशो में। तो ये हमारा था रिवैल्यूएशन अकाउंट।